नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण में हॉस्पिटल परिसर के भीतर बड़े पैमाने पर अनियमितता देखने को मिली है। हॉस्पिटल के एक्सरे रूम, मेडिसिन विभाग, स्टोर रूम से लेकर हर जगह भारी अनियमितता देखने को मिली है। हॉस्पिटल परिसर में साफ सफाई का भी अभाव देखने को मिला है। कई जगहों पर कूड़े का अंबार दिखा है, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नाराजगी जाहिर करते हुए सफाई एजेंसी का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। साथ ही अस्पताल में बिजली के उलझे हुए तारों पर भी डिप्टी सीएम ने नाराजगी जाहिर की है। इसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल के जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए जल्द ही ठीक कराने का निर्देश दिया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने टीबी सप्रू हॉस्पिटल के बंद कमरों के ताले भी खुलवाकर निरीक्षण किया। उन्होंने कमरों में गंदगी पर हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाई। वहीं कई मरीजों से भी उन्होंने मुलाकात किया। मरीजों को हॉस्पिटल से मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही दवाओं को लेकर जानकारी ली। हॉस्पिटल से निकलने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से मुलाकात कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी बच्चों से जुटाई। साथ ही स्कूल के शिक्षकों को उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ के लिए रवाना हो गए। दिल्ली हॉस्पिटल में देखिए, सफाई को लेकर के हमने बार बार कहा है और कुछ सफाई को लेकर त्रुटियाँ मिली हैं। हमने आज एक दिन का पूरा आउटसोर्सिंग एजेंसी का जो पारिश्रमिक होता उसको काटने का निर्देश दिया। उसको आज कोई बिल का भुगतान नहीं होगा और पूरे अस्पताल में अभियान चला करके एक एक बिंदु की सफाई करें और जो फर्श टूटी है और या तार बिजली के तार उलझे हैं सब कुछ प्रॉपर करें। और सीएमएस से सीएमओ को कहा है तत्काल इसके लिए काम करें। कोई दवाई एक टिकिया भी बाजार से नहीं लिखी जाएगी। कल बहुत सख्त हिदायत दी है और इसको हम खुद मॉनिटर करें। पेशेंट से मिले? हाँ, कई पेशेंट से मिले। इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जीबीएन 24।